पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद पहुंची समाजवादी पार्टी छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा यादव भाजपा पर हमलावर रही। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा महिलाओं की बात करती है लेकिन लड़कियों के लिए सरकार शिक्षा फ्री करने का काम क्यों नहीं करती, महिलाओं के लिए शिक्षा कंपलसरी क्यों नहीं करती। भाजपा पर हमलावर होते हुए नेहा यादव ने कहा कि भाजपा सिर्फ शिक्षा का बजट कम करके उसे प्रचार में लगा रही है, जबकि सरकार ने महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं चलाकर उन्हें लाभ पहुंचाया है। मुरादाबाद पहुंचने पर नेहा यादव का जोरदार स्वागत किया गया, साथ ही आगामी 2022 के इलेक्शन में सभी से तन मन से लगने का आह्वान भी किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए नेहा यादव ने कहा कि अब सरकार तय करेगी कि अब लड़कियों को बच्चे कब पैदा करने हैं और शादी कब करनी है। भाजपा के पास चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए इस तरह की फिजूल के काम कर रही है। सपा सांसद द्वारा दिए गए बयान पर छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा यादव ने चुप्पी साध ली। मैं समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो उत्तर प्रदेश के छात्र और छात्राएं और नौजवान भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त आ चुका है, नाराज है, हताश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई थी तो इन्होंने बड़े बड़े लोक लुभावन नारे दिए थे। सबसे बड़ा इनका नारा था सबका साथ सबका विकास, फिर उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष ये देंगे। उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा 70 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, लेकिन नौजवानों को इन्होंने 7 लाख रोजगार भी उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाया है। तो आज छात्र और नौजवान सड़कों पर है, रोजगार मांग रहा है, तो उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन उसे लाठियाँ दिखा रही है, लाठियाँ दे रही है, जेल भेज रही है, मुकदमे लगा रही है। तो आज छात्र और नौजवान हताश है, नाराज है, निराश है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और समाजवादी पार्टी के साथ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 के दौरान तमाम कल्याणकारी योजनाएं छात्रों और नौजवानों के बीच में दी थी। चाहे छात्रों और नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18 लाख लैपटॉप दिए थे, कन्याओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए कन्या विद्या धन दिया गया, तमाम कल्याणकारी स्वास्थ्य के मद्देनजर उन्होंने हौसला पोषण मिशन जैसी योजनाओं को लागू किया। आज बीजेपी बड़ी बड़ी बात कर रही है, कह रही है 18 साल से 21 साल उम्र कर दी जाए। अगर इतनी महिलाओं की इन्हें चिंता है तो मैं कहती हूँ क्यों आप एजुकेशन कंपलसरी की बात नहीं करते हैं। आप कह दीजिए लड़कियों को शिक्षा कंपलसरी है, शिक्षा फ्री कर दीजिए, ये शिक्षा का बजट काट करके प्रचार में लगा रहे हैं। और बात दूसरी तरफ, जैसे चुनाव आ जाता है छात्रों को और छात्राओं को और महिलाओं को बरगलाने के लिए ये उल्टी सीधे काम करना शुरू कर देते हैं। देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल क्या है कि ज़रूरत क्या है, वर्तमान में ज़रूरत किस चीज़ की है, सरकार क्या कहना चाहती है। क्या 18 साल की बोटल लड़की इमैच्योर है या शादी करने वाली, मैच्योरिटी के इनके पैमाने क्या हैं, ये किस चीज़ को मैच्योरिटी कह रहे हैं। ये बात कर रहे हैं इन्होंने कहा, कई मैंने प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट सुना, इन्होंने कहा कि हम एनीमिया को लेकर के सजग हैं, हम कुपोषण को लेकर के सजग हैं। एक योजना बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इन्होंने कुपोषण को लेकर के लागू की गई, हमारे नेता ने हौसला पोषण मिशन जैसी योजना को लागू किया और इन्होंने देश की भावना से ऐसी कल्याणकारी योजना को बंद कर दिया। मैंने ये कहा कि सवाल इस चीज़ का है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी इस तरह की चीज़ों को लाने के पहले आपने कितना सर्वे कराया। क्या इन्होंने मुझसे पूछा क्या अब ये सरकार तय करेगी कि लड़कियां शादी कब करेंगी, बच्चे कब पैदा करेंगी, ये सरकार तय करेगी, क्या हम अपने निर्णय अपने आप से नहीं ले सकते हैं। तो पहले तो क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन करती है, संविधान के नियम कायदे कानूनों का भी उल्लंघन करती है। तो इनके पास में कुछ है नहीं, चुनाव में जाने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये ज़बरदस्ती किसी ना किसी मुद्दे को बना करके जनता को बरगलाना चाहते हैं, उलझाना चाहते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी का ऐसे किसी भी बयानों से इत्तेफाक नहीं रखती है, ये उनके निजी बयान हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी का ऐसे किसी भी बयान से इत्तेफाक नहीं है।
देखिए इस तरह की बयानबाजी में समाजवादी पार्टी का कोई इत्तेफाक नहीं है। समाजवादी पार्टी बहुत प्रोग्रेसिव पार्टी है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने मैं स्वयं बैठी हुई हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी छात्र छात्राओं में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उन्होंने आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक छात्राओं को दी है, मुझे समाजवादी छात्र सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उन्होंने मुझे प्रवक्ता बनाया पार्टी का। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत प्रोग्रेसिव सोच के नेता है, देश में उनकी जैसी सोच का कोई नेता है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करिए, अपने आरएसएस उठा करके देख ले कितनी महिलाएं आरएसएस में काम करती हैं। देखिए उनका कुछ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमारी सीधे और सीधे समाजवादी पार्टी की सभी दलों से लड़ाई है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।